हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरस्वती धाम ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था डोमेन एंड रेंज के बारे में। हर एक फंक्शन के रेस्पेक्ट में उसका डोमेन अलग अलग होता है, वो अपन ने चेक किया था। और डोमेन के ऊपर अपन ने कुछ क्वेश्चन किए थे, उसी लेक्चर को अपन आगे और कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ वन बाय लॉग ऑफ वन माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस टू। वन बाय लॉग ऑफ टेन बेस पे आपको दे रखा है वन माइनस एक्स और प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस टू, ये आपको एक क्वेश्चन दे रखा है। इसका आपने डोमेन फाइंड आउट करना है। देखो, डोमेन फाइंड आउट करने का मतलब क्या है कि आपने फंक्शन को डिफाइन करना है। और दो फंक्शन यहाँ पे दे रखे हैं, एक तो आपको लॉगरिथमिक फंक्शन दे रखा है और एक स्क्वायर रूट फंक्शन दे रखा है। दोनों फंक्शन को आपको अलग अलग डिफाइन करना है, देन उसके बाद में दोनों का कॉमन सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो इधर, सबसे पहले अगर अपन लॉग को डिफाइन करेंगे तो लॉग से पहले ये जो आपका फंक्शन बन रहा है ये पी बाई क्यू टाइप का फंक्शन हो गया, इट मीन्स ये एक आपका रेशनल फंक्शन हो गया। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, रेशनल प्लस लॉगरिथमिक दोनों को एक साथ में डिफाइन करते हैं। तो इस फंक्शन को डिफाइन होने की कंडीशन क्या बन जाएगी, ये आपका बनेगा। देखो रेशनल के अंदर तो ये वाली वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, तो अपन ये बोल सकते हैं कि लॉग ऑफ टेन बेस वन माइनस एक्स, ये क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या बनेगी, देखो ये तो अभी तक आपने क्या किया, रेशनल फंक्शन को डिफाइन किया, अभी अपन इस लॉग को डिफाइन करते हैं। ये लॉग, ये वाला लॉग डिफाइन कब होगा, जब लॉग का इनपुट क्या हो, ग्रेटर देन जीरो। अब देखो कंडीशन तो लॉग की थ्री कंडीशन होती है। अब फर्स्ट कंडीशन तो होगी लॉग का इनपुट ग्रेटर देन जीरो, सेकंड कंडीशन बनेगी लॉग का बेस ग्रेटर देन जीरो, पहले से ग्रेटर देन जीरो बन रहा है एंड बेस नॉट इक्वल टू वन, उस वाली कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब लॉग को डिफाइन करने के लिए आपको एक कंडीशन यहां पे सफिशियंट है। थर्ड कंडीशन अपन वो लगा देते हैं, ये आपका स्क्वायर रूट फंक्शन हो गया। ये स्क्वायर रूट फंक्शन डिफाइन कब होगा, जब रूट के अंदर की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो। ठीक है, क्लियर है सभी को। अब देखो आपके पास में तीन कंडीशन आ गई, इन तीनों कंडीशन का आपको सोल्यूशन निकालना है इंडिविजुअली और फिर तीनों का कॉमन सोल्यूशन अपन यहां से फाइंड आउट कर लेंगे। देखो अगर यहां से इसके सॉल्यूशन निकालेंगे तो लॉग को रिमूव करते टाइम में इक्वल्स टू के बाद में जो भी टर्म होगी वो इसके बेस की पावर में चली जाएगी। अब देखो यहां पे इक्वल्स टू होता तो अपन इक्वल्स टू लगाते और नॉट इक्वल्स टू आ रहा तो अपन नॉट इक्वल्स टू लगा देते हैं। देखो इक्वल्स टू के बाद में जो भी टर्म होगी वो इसकी बेस की पावर में चली जाएगी। 10 की पावर 0 क्या हो गया, 1 बनेगा, तो यहां से 1 - x नॉट इक्वल्स टू 1 बन जाएगा। देखो इस साइड लेके आएंगे, 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ तो x की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू क्या बनेगी, 0 बन जाएगी। ठीक है, अब देखो अगर अपन बात करें यहां से नॉट इक्वल्स टू 1 ही बन रहा है क्या, ये 1 माइनस एक्स हो गया। अगर इसको इस साइड लेके आते हैं तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, ये 0 ही बन रही है। अब देखो सेकेंड कंडीशन और यहां पर देख लेते हैं, log का सॉरी x का इनपुट क्या आ रहा है, x का कोफिशिएंट नेगेटिव आ रहा है तो पहले इसको अपन पॉजिटिव बनाएंगे, तो यहां से x माइनस वन ये लेस देन 0 हो जाएगा। नेगेटिव कॉमन लेके मैंने इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दिया। देखो यहां से x लेस देन 1, सेकंड कंडीशन का सॉल्यूशन आपके पास में ये वाला आ जाएगा। हाँ, इसके बाद में अपन और देखो थर्ड वाली कंडीशन को और डिफाइन कर देते हैं, एक्स कर देन इक्वल टू माइनस का 2। थर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तीनों कंडीशंस का आपको कॉमन सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो देखो जब इंटरवल बनते हैं तो उन इंटरवल को पहले अपन क्या करते हैं, नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करते हैं, फिर उस इंटरवल में अगर आपका ये वाला पॉइंट आ रहा होगा तो इसको अपन हटा देंगे वहां से, और अगर ये नहीं आ रहा है तो आपका वही वाला सॉल्यूशन बन जाएगा। देखो यहां से अपन क्या करते हैं, दोनों का कॉमन सॉल्यूशन निकालते हैं। और कॉमन सॉल्यूशन अपन कैसे निकालेंगे, जो भी आपके डिफरेंट पॉइंट आए थे उनको नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। आपका लोएस्ट पॉइंट तो हो गया माइनस का 2, देन इसके बाद में आपको पॉइंट बनेगा 1। अब देखो यहां से कंडीशन क्या बन रही है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, माइनस 2। यहां पर मैंने ये माइनस 2 ले लिया और ये ग्रेटर देन का इंटरवल लगा दिया। अब देखो x लेस देन 1, x लेस देन 1 के लिए यहां पे ओपन आएगा और इससे लेस देन वाली वैल्यू आ गई। इसका कॉमन सॉल्यूशन अपन चेक कर लेते हैं, देखो ये वाला कॉमन पार्ट बन जाएगा तो ये सॉल्यूशन आएगा। लेकिन यहां से इस इंटरवल में आपको ये भी चेक करना है कि 0 इसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो माइनस 2 से लेके 1 के बीच में कहीं ना कहीं आपका 0 आ रहा होगा, तो आपको क्या करना है, इस इंटरवल में से आपको 0 को माइनस कर देना। अब देखो यहां से अगर अपन इसका फाइनली आंसर लिखेंगे तो क्या बनेगा, एक्स बिलोंग्स टू
क्लोज इंटरवल माइनस टू से लेके वन, और वन के ऊपर क्या आएगा? ओपन। देखो दोनों में से अगर किसी भी एक के ऊपर ओपन आ जाता है तो उस पॉइंट के ऊपर अपन ओपन सर्कल का यूज करते हैं, या फिर आपको उस वाले पॉइंट को हटाना पड़ेगा उस इंटरवल से। इसमें से आपने क्या करना है, जीरो को माइनस कर देना है। देखो ये आपकी वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं हो सकती, तो अपन यहां पे क्या कर देंगे, जीरो को हटा देंगे। अरे क्लियर है सभी को? तो आपका फाइनली जो आंसर आएगा, इसका डोमेन जो बनेगा वो बनेगा एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस टू टू वन ओपन, और इसमें से अपन क्या माइनस कर देंगे, जीरो। ओनली एक पॉइंट को अपन माइनस कर देंगे। क्लियर है सभी को? कोई भी डाउट है पूछ सकता है, ठीक है। ऐसे ही देखो एक ही क्वेश्चन के अंदर दो तीन टाइप के आपको फंक्शन दे रखे होंगे, और हर एक फंक्शन को आपको इंडिविजुअली डिफाइन करना पड़ेगा, और डिफाइन करने के बाद में जो भी आपके इंटरवल आ रहे होंगे उस इंटरवल के आपको कॉमन सॉल्यूशन फाइंड आउट करने पड़ेंगे। एक दो एग्जांपल और करते हैं। डोमेन एंड रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर अपन और बहुत सारे एग्जाम्पल, हो सकता है कि पूरा लेक्चर ही आज का एग्जाम्पल करने में निकल जाए। इंपॉर्टेंट है बहुत, तो जब तक अपन एग्जाम्पल नहीं करेंगे, क्वेश्चंस वगैरह नहीं लगाएंगे एक ही पॉइंट के ऊपर, वो वाली चीजें अपनी क्लियर नहीं होंगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं अपन। हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है लॉग ऑफ एक्स माइनस फोर, इनपुट में दे रखा है, बेस में दे रखा है, और इनपुट में है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24। ये आपको एफ ऑफ एक्स दे रखा है। इस फंक्शन का आपको डोमेन फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो अगर डोमेन फाइंड आउट करना है तो अपन क्या करेंगे, इस लॉग को डिफाइन कर देंगे। आपके पास में एक ही फंक्शन दे रखा है, और इस फंक्शन के अंदर भी ओनली लॉगरिथमिक फंक्शन ही दे रखा है, तो अपन क्या करते हैं, इसको डोमेन निकालने के लिए इस लॉग को डिफाइन कर देते हैं। लॉग को डिफाइन करने की तीन कंडीशन थी, इन तीनों कंडीशन को अपन यहां पर अप्लाई कर देते हैं। देखो फर्स्ट वाली कंडीशन तो क्या होगी, लॉग का इनपुट ग्रेटर देन जीरो, तो यहां से इनपुट क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 ग्रेटर देन, ये जीरो बन जाएगा। सेकंड कंडीशन लगा दो, देखो यहां से सेकंड कंडीशन क्या होगी, बेस की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, बेस क्या बन रहा है एक्स माइनस फोर, तो यहां से एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन जीरो। एंड थर्ड कंडीशन क्या बनेगी, बेस की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू वन भी होनी चाहिए, तो यहां से अपन क्या करते हैं, एक्स माइनस फोर को नॉट इक्वल्स टू वन भी कर देते हैं। अरे क्लियर है सभी को? हाँ, तो यहां से देखो एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24, अगर अपन यहां पे इसके फैक्टर बना लेते हैं तो ज्यादा आसान हो जाएगा। देखो आपको देखने से आइडिया लग रहा है कि फैक्टर इसके पॉसिबल हैं, क्या क्या बन रहा है, एक तो x माइनस 8 बन रहा है, और एक x माइनस 3 बन रहा है। देखो अगर अपन फैक्टर बनाएंगे तो एक तो x माइनस का 3 बनेगा, और एक x माइनस 8 ग्रेटर देन जीरो। नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करो, सबसे पहला पॉइंट बनेगा 3, एंड 8 दोनों की पावर ओड आ रही है, अगर ओड आ रही है तो साइन कौन सा बनेंगे, अल्टरनेटिव। यहां से प्लस माइनस एंड प्लस, कौन सा इंटरवल लेना है, पॉजिटिव, और यहां पे आपने एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर देखो ओपन लगाया है। ओपन क्यों लगाया, क्योंकि आपने यहां पे इक्वलिटी का साइन नहीं ले रखा, जीरो के इक्वल नहीं आ रहा, तो मैंने दोनों एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर ओपन सर्कल का यूज कर लिया। सेकेंड कंडीशन का सोल्यूशन देखो क्या बनेगा, एक्स ग्रेटर देन 4, x greater than 4 बन जाएगा। एंड थर्ड कंडीशन का सॉल्यूशन x not equals to 5। देखो यहां पे तो ओनली एक पॉइंट आ रहा है, तो अपन क्या करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन, इन दोनों कंडीशन से कॉमन सॉल्यूशन निकाल लेंगे, और जो भी आपका कॉमन सॉल्यूशन आएगा उसमें अगर पॉइंट 5 इंक्लूड हो रहा है तो उसको अपन माइनस कर देंगे, और अगर इंक्लूड नहीं हो रहा है तो वही आपका फाइनली आंसर बन जाएगा। अब देखो जब अपन कॉमन सॉल्यूशन निकालते हैं तो दोनों कंडीशन के जितने भी डिफरेंट पॉइंट आते हैं उन डिफरेंट पॉइंट को आपको नंबर लाइन के ऊपर एक साथ में प्लॉट करना होता है। यहां पे कौन कौन से डिफरेंट पॉइंट आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, एंड 8 आ रहा है। वो भी देखो ऑर्डर आपका इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर अगर आपने रॉन्ग कर दिया तो आपका आंसर भी रॉन्ग हो सकता है। हो सकता है क्या, डेफिनेटली रॉन्ग ही आएगा आंसर। यहां से देखो ये आपका बन रहा है 3, 4 एंड 8, ये असेंडिंग ऑर्डर में आपने पॉइंट को प्लॉट कर दिया। फर्स्ट कंडीशन का सॉल्यूशन लगाओ। अब देखो जब अपन फर्स्ट एक कंडीशन का सॉल्यूशन यहां पे प्लॉट करेंगे तो आपको इस लेवल का ध्यान रखना है। मैंने आपको पहले बताया जब एक कंडीशन है
अरे अरे ये एक ही कंडीशन का सॉल्यूशन है, तो आपको एक कंडीशन भी दिखाने के लिए उसका लेवल क्या रखना पड़ेगा, सेम रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से देखो इसका सॉल्यूशन क्या बन रहा है, थ्री से इसका सॉल्यूशन बन रहा है, थ्री से लेस देन और एट से ग्रेटर, एंड इस एट से ग्रेटर हो गया। और सेकंड कंडीशन का सॉल्यूशन देखो क्या बन रहा है, फोर से ग्रेटर, ये फोर से ग्रेटर हो गया। अब देखो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन, इधर तो कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, इन दोनों में से कॉमन वाला पोर्शन कौन सा बन रहा है, ये वाला कॉमन पोर्शन बन रहा है जहां पे एक दूसरे को ये ग्राफ ओवरलैप कर रहे हैं। देखो एड से अगर आगे अपन मूव करेंगे, अगर मैं इस कंडीशन का सॉल्यूशन लिखूं तो क्या बनेगा, एड टू इंफिनिटी। अब एड टू इंफिनिटी में फाइव आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, इट मीन से यही आपका क्या बन जाएगा, फाइनल सॉल्यूशन बन जाएगा। तो यहां से अगर अपन फाइनल सॉल्यूशन लिखते हैं तो एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल नहीं आएगा, क्योंकि एक पॉइंट के ऊपर, एक कंडीशन के ऊपर क्या आ रहा है, ओपन सर्कल आ रहा है। तो यहां पे क्या बनेगा, ओपन सर्कल एड टू इन्फिनिटी, ओपन ब्रेकेट एट टू इन्फिनिटी, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, नोट करो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू आपको दे रखा है 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई सिक्स, और इसका रूट दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ लॉग ऑफ 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई सिक्स। इस फंक्शन का आपको डोमेन फाइंड आउट करना है। तो देखो यहां पे कितने टाइप के फंक्शन हो गए, सबसे पहले तो अगर रूट आ रहा है इट मीन्स स्क्वायर रूट फंक्शन हो गया, तो स्क्वायर रूट फंक्शन को डिफाइन करने की अलग कंडीशन लगाएंगे, और अगर लॉगरिथमिक फंक्शन दे रखा है तो लॉग को डिफाइन करने की कंडीशन अपन अलग लगाएंगे। यहां से फर्स्ट कंडीशन की अगर अपन बात करते हैं तो स्क्वायर रूट फंक्शन को डिफाइन करने की कंडीशन क्या होती है, कि इसका इनपुट जो आएगा वो ऑलवेज क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। देखो इनपुट ये टोटल बन रहा है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि लॉग ऑफ 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई सिक्स क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आना चाहिए। ये तो आपने इस स्क्वायर रूट फंक्शन को डिफाइन कर दिया। देन आपने सेकंड कंडीशन क्या लगानी है, कि लॉग जो आएगा उस लॉग को भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। पहले तो इस रूट को डिफाइन किया, अब अपन क्या कर रहे हैं, इस लॉग को डिफाइन कर रहे हैं। जब लॉग को अपन डिफाइन करेंगे तो यहां पे उसके बेस और इनपुट वाली कंडीशन लगानी पड़ेगी। इनपुट इनपुट की कंडीशन क्या बनती है, 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई सिक्स, ये आपका ग्रेटर देन जीरो बन जाएगा। आपने इनपुट को ग्रेटर देन जीरो कर दिया, सेकंड कंडीशन क्या बनेगी, बेस ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और बेस नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए। अब देखो यहां पे बेस तो दे नहीं रखा, अगर बेस नहीं दे रखा होता है तो बाय डिफॉल्ट अपन बेस क्या मान के चलते हैं, 10 मान के चलते हैं। अब देखो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, बेस की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, बिल्कुल कर रहा है, और नॉट इक्वल टू वन होनी चाहिए, तो उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपको वो दोनों कंडीशन तो लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब यहां पे देखो आपके पास में दो कंडीशंस आ गई, इन दोनों कंडीशंस का आपको अलग अलग सॉल्यूशन निकालना है, एंड फिर दोनों का अपन क्या कर लेंगे, कॉमन सॉल्यूशन निकाल लेंगे। अब देखो यहां से जब लॉग के अंदर इनइक्वालिटी बनती है तो अपन को सबसे पहले यही चीज देखनी है कि लॉग का बेस क्या बन रहा है, क्योंकि लॉग की जो इनइक्वालिटी होगी उसका साइन हमेशा लॉग के बेस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर लॉग का बेस ग्रेटर देन वन होगा तो उस वाले केस में इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है, और अगर लॉग का बेस लेस देन वन होगा तो उस वाले केस में इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहां पर बेस नहीं दे रखा, बाई डिफॉल्ट 10 बेस अपन ने मान लिया, तो उस वाले केस में इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। अब देखो जब अपन लॉग को रिमूव करेंगे तो इक्वल्स टू के बाद
बाद में जो भी टर्म होगी वो बेस की पावर में चली जाएगी। अब देखो यहां पे 10 था तो ये 10 की पावर क्या बन जाएगा, 0। इनइक्वालिटी का साइन मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि बेस की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन 1 आ रही है। अरे क्लियर है सभी को? हाँ, यहां से देखो अब ये इनइक्वालिटी बन गई आपकी, तो क्या बनेगा, 5x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये 10 की पावर 0 क्या बन जाएगा, 1, और ये इधर 6 बन रहा था तो 6 इंटू 1 क्या बनेगा, 6 बनेगा। अब देखो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर रेशनल इनइक्वालिटी बनती है तो आपने ये बताया था कि कभी भी अपन उसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते। देखो कर सकते हैं जब आपको यह पता हो कि जो आपका बेस या फिर न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर क्या है, या तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है या फिर ऑलवेज लेस देन 0 है। देखो यहां पे डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या आ रही है, 6, और इस साइड जो वैल्यू है वो भी क्या है, पॉजिटिव है। अगर ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मान लिया कि यहां पर एक्स की फॉर्म में कोई टर्म आ रखी होती, यहां पर ओनली एक्स आ रखा होता, तो उस वाले केस में अपन उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे। उसके लिए अपन क्या करते हैं, पहले राइट हैंड वाली जो साइड वाली टर्म थी उसको अपन क्या लेके आते, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते और फिर उसको अपन सिंपलीफाई करते। यहां पे तो कोई दिक्कत है नहीं, देखो यहां से 6 को इस साइड लेके आएंगे तो ये क्या बनेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस का 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मैंने माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख दिया, लिखने का रीजन क्या है कि अपन क्या करेंगे यहां से कॉमन लेके इनइक्वालिटी का साइन अब चेंज कर देंगे। यहां से अगर अपन इनइक्वालिटी का साइन चेंज करते हैं तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 6 लेस देन ग्रेटर देन की जगह आपकी बार क्या बन जाएगा, ये आपका लेस देन बन जाएगा। अरे क्लियर है सभी को? देखो यहां से अगर अपन फैक्टर बनाएंगे तो एक तो बन रहा है x माइनस 2 और एक फैक्टर बन रहा है x माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर दो, अगर अपन नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करेंगे तो ये 2 बन रहा है और ये 3, प्लस माइनस प्लस दोनों की पावर ओड आ रही है तो साइन ऑल्टरनेटिव बन जाएंगे। इक्वलिटी का साइन आ रहा है तो डार्क सर्कल आएगा, और कौन सा इंटरवल लेना है, लेस देन का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव वाला, तो यहां से अपन क्या करते हैं, नेगेटिव वाला इंटरवल ले लेते हैं। यस और नो? क्लियर है सभी को? ये फर्स्ट कंडीशन का आपने सॉल्यूशन यहां पे फाइंड आउट कर लिया, अपन क्या करते हैं सेकंड कंडीशन का सॉल्यूशन और फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहां से देखो इस साइड तो 0 आ रहा था और ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो गया, एंड यहां से अपन क्या लेते हैं, अब नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं। देखो अगर मैंने यहां से नेगेटिव कॉमन लिया तो आपका क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x ग्रेटर देन 0 बन जाएगा। हाँ, अब यहां से देखो इस नेगेटिव को रिमूव करते टाइम पे अपन को इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा। मैं इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज कर देता हूं और यहां से नेगेटिव को भी रिमूव कर देता हूं, दोनों काम एक साथ कर दिया अपन ने। अब देखो इसके फैक्टर पॉसिबल हैं क्या, फैक्टर पॉसिबल हैं एक्स और एक्स माइनस का 5 लेस देन 0। नंबर लाइन के अगर अपन ऊपर प्लॉट करेंगे तो एक पॉइंट तो आ रहा आपका 0 और एक पॉइंट आ रहा है 5, तो ये प्लस माइनस और प्लस कौन सा इंटरवल आ गया, लेस देन, और यहां पर क्या बनेगा, ये ओपन इंटरवल क्या बन जाएगा, 0 to 5। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन का सॉल्यूशन, ये सेकंड कंडीशन का सॉल्यूशन। अब आपने क्या करना है, इसका डोमेन निकालना है। डोमेन का मतलब क्या हुआ, दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाला एक्स की वैल्यू, ठीक है। अब देखो दोनों कंडीशन का आपको कॉमन सॉल्यूशन निकालना है तो यहां पे अपन क्या करते हैं, जितने भी आपके डिफरेंट पॉइंट आ रहे होंगे इन दोनों कंडीशंस के अंदर, उन सभी पॉइंट्स को आपको एक ही नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना है असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में। देखो पहले पॉइंट कौन सा आएगा, 0 then 2 3 and 5, तो यहां से ये 0 बन गया, 2 3 and ये 5, जितने भी डिफरेंट पॉइंट थे उनको आपने क्या कर दिया, नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। पहले अपन फर्स्ट वाली कंडीशन का सॉल्यूशन लिख देते हैं और फिर सेकंड वाली कंडीशन का सॉल्यूशन लिख देते हैं। यहां से एक सॉल्यूशन तो बन रहा है 2 से लेके 3 के बीच में, ये आपका फर्स्ट कंडीशन का सॉल्यूशन हो गया। सेकंड कंडीशन को सॉल्यूशन क्या बन रहा है, 0 से लेके 5 बन रहा है, ये 0 से लेके 5। अब देखो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन कौन सा आ गया, 2 से लेके 3। यहां से ये वाला जो पोर्शन है ये आपका ओवरलैप कर रहा है तो अपन ये बोल सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 to 3, ये आपका फाइनली आंसर बन जाएगा और यही इस फंक्शन का डोमेन बन जाएगा। क्लियर है सभी को? नोट करो इसको। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं और
नेक्स्ट एग्जाम्पल है नेक्स्ट एग्जाम्पल है साइन इनवर्स एक्स माइनस थ्री अपॉन रूट ऑफ नाइन माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको कोई फंक्शन दे रखा है, इसका आपको डोमेन ही फाइंड आउट करना है। तो देखो एफ एक्स के अंदर एक तो इनवर्स फंक्शन आई टी एफ फंक्शन डाल रखा है और एक स्क्वायर रूट फंक्शन डाल रखा है, दोनों फंक्शन को आपको इंडिविजुअली डिफाइन कर देना है। अगर अपन साइन इनवर्स को डिफाइन करेंगे तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, देखो साइन इनवर्स का डोमेन क्या बनता है, माइनस वन टू वन। मैंने आपको ये बताया था साइन इनवर्स का एक्स का ग्राफ बताया था, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ जो होता है इसका डोमेन तो बनता है एक्स की वैल्यू ऑलवेज क्या बननी चाहिए, एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन के बीच में, एंड इस फंक्शन का जो रेंज बनता है वो बिलोंग्स टू होता है माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू। ये जब अपन ने आईटीएफ फंक्शन के ग्राफ देखे थे वहां पे मैंने यही चीज आपको दो चीजें याद करने के लिए बोली थी। क्यों बोली थी, क्योंकि किसी फंक्शन जो आपको दे रखा होगा उसमें डोमेन निकालने के लिए कोई आईटीएफ फंक्शन डाल रखा होगा, वो साइन इनवर्स भी हो सकता है कॉस इनवर्स भी हो सकता है, उस वाले केस में आपको वहां पे डोमेन भी पूछ सकता है और रेंज भी पूछ सकता है। तो ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब देखो यहां पे साइन इनवर्स एक्स की जगह एक्स ना होके क्या दे रखा है, एक्स माइनस थ्री दे रखा है, तो अपन क्या करते हैं एक्स माइनस थ्री की वैल्यू माइनस वन से लेके वन के बीच में लाई करा देते हैं। देखो आपको तो ये एक्स ना समझ के इसको आपको इनपुट इनपुट समझ के चलना है, ठीक है। कैसे, मतलब अगर इनपुट की साइन इनवर्स को अगर डिफाइन करना है तो इसका इनपुट क्या आना चाहिए, ऑलवेज माइनस वन टू वन के बीच में आना चाहिए। यहां पे इनपुट क्या दे रखा है, एक्स माइनस थ्री और इसकी वैल्यू हमेशा क्या बनेगी, माइनस वन से लेके वन के बीच में। क्लियर है सभी को, ये आपने इस साइन इनवर्स को डिफाइन कर दिया। अब देखो सेकंड कंडीशन आपको और लगानी पड़ेगी यहां पे, क्या स्क्वायर रूट फंक्शन भी डिफाइन होना चाहिए। तो यहां से अपन ये बोल देते हैं कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होनी चाहिए जब ये स्क्वायर रूट फंक्शन को अपन डिफाइन कर रहे हैं। लेकिन ये जो आपका स्क्वायर रूट फंक्शन है वो क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, हर में आ रहा है, इसलिए अपन क्या कर सकते हैं, इसको जीरो के इक्वल नहीं कर सकते, तो इसको अपन हटा देते हैं, इक्वलिटी का साइन हटा देते हैं। अब देखो दो कंडीशन आ गई, इन दोनों कंडीशंस का अपन अलग अलग सॉल्यूशन निकाल लेंगे और फिर अपन उसका कॉमन सॉल्यूशन देख लेंगे। देखो यहां से अगर अपन एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो इस थ्री को अपन राइट एंड, देखो जब डबल साइडेड इनइक्वलिटी बनती है तो अपन क्या करते हैं, ये थ्री जो आएगा, थ्री को अगर अपन ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड या लेफ्ट हैंड साइड, ये थ्री इस साइड भी ऐड होगा और ये इस साइड भी ऐड होगा, क्योंकि ये दो डबल साइडेड इनइक्वालिटी है। मतलब इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, लेस देन इक्वल्स टू थ्री को इस साइड लेके आओ, देखो ये आपका क्या बनेगा, माइनस वन प्लस थ्री, एक स्टेप बढ़ा देता हूं मैं, ये आपका बनेगा वन प्लस थ्री। ये मेरा दिखाने का मतलब यही है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी डबल साइडेड इनइक्वालिटी में वो दोनों साइड ट्रांसफर होती है, ये इस साइड भी जाएगा और ये इस साइड भी जाएगा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, देखो ग्रेटर देन इक्वल्स टू तो यहाँ पे टू बनेगा एंड लेस देन इक्वल्स टू फोर बन गया। ये फर्स्ट कंडीशन का आपके पास में सॉल्यूशन आ गया। अब यहाँ पे देखो ये तो आपकी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन रही है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन निकालने के लिए यहाँ पे आपको पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। यहाँ से मैं पॉजिटिव बना देता हूँ, देखो एक्स स्क्वायर माइनस इसको अपन थ्री का स्क्वायर और इसको लेस देन जीरो कर देते हैं। देखो अगर यहाँ पे नेगेटिव लेंगे अपन, नेगेटिव कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर और माइनस का नाइन आएगा, और ग्रेटर देन की जगह अपन क्या कर देते हैं, नेगेटिव को डायरेक्टली रिमूव करके उसको लेस देन जीरो कर देते हैं। अब देखो फैक्टर बन रहे हैं, अगर फैक्टर बनाएंगे तो एक्स माइनस का थ्री बनेगा और एक बनेगा एक्स प्लस थ्री लेस देन जीरो। इसको सॉल्व करो, देखो एक तो बन रहा आपका माइनस का थ्री एंड थ्री प्लस माइनस प्लस कौन सा इंटरवल आ गया, नेगेटिव वाला इंटरवल आ गया। आपके पास में दो कंडीशंस हैं, दो कंडीशंस कौन सी हो गई, एक का सॉल्यूशन तो आ रहा है माइनस थ्री से लेके थ्री और एक का सॉल्यूशन आ रहा है टू से लेके फोर। इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन आपने फाइंड आउट करना है। देखो अगर अपन इसका कॉमन सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो जितने भी डिफरेंट पॉइंट आ रहे थे उनको अपन क्या करते हैं, नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले वाला पॉइंट कौन सा आएगा, माइनस का थ्री बनेगा, देन उसके बाद में टू बनेगा, इसके बाद में थ्री बनेगा और इसके बाद में ये आपका फोर बन जाएगा। अब देखो यहां से अगर अपन चेक करें कि फर्स्ट कंडीशन का सॉल्यूशन क्या बन रहा है, टू से लेके फोर, तो फर्स्ट कंडीशन का सॉल्यूशन अपन यहां से टू लेके, टू से लेके फोर कर देते हैं, और
सेकेंड कंडीशन का सॉल्यूशन माइनस थ्री से लेके थ्री, लेकिन यहां पे क्या आ रहा है देखो ओपन आ रहा है, तो ओपन सर्कल का यूज कर लेते हैं। दोनों का कॉमन वाला पार्ट कौन सा बन गया, ये वाला इसका कॉमन पार्ट बन गया। देखो यहां पे थ्री के ऊपर क्या आ रहा है ओपन, और यहां पे टू के ऊपर क्लोज, तो फाइनली जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल टू एंड थ्री के ऊपर ओपन इंटरवल, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई नया फंक्शन आ रहा है, और उस फंक्शन को अपन कैसे डिफाइन कर रहे हैं वो वाली कंडीशंस अपन यहां पे देख रहे हैं। ठीक है, देखो अभी तक ये वाले जो क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें आपको तीन चार फंक्शन एक साथ में दे रखे होंगे, मॉडुलस दे रखा होगा, मॉडुलस के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर दे रखा होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर आपको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दे रखा होगा, हो सकता है कि वहीं पे आपको सिग्नम फंक्शन और डाल दे। जब सिग्नम फंक्शन जहाँ पे फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी होती है या फिर कंटिन्यूटी ब्रेक होती है वो वाले फंक्शन अगर यहाँ पे डाल देता है तो उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आती है आपको। इलेवंथ वाले बच्चे जो होते हैं उनको तो दिक्कत आएगी आएगी, क्योंकि वो सब चीज़ें वो पहली बार पढ़ रखे होते हैं। प्लस टू वाले बच्चे जो हैं वो इलेवंथ के अंदर बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ के जाते हैं, तो हो सकता है कि उनको थोड़ी बहुत दिक्कत हो। तो यहाँ से अपन उन चीज़ों को क्लियर करेंगे, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चन करने से पहले आपको ये बेसिक आइडिया पता होना चाहिए कि इनवर्स को अपन कैसे डिफाइन करते हैं, कॉमन सॉल्यूशन अपन कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं, उन कंडीशंस का आपको एक साथ में सॉल्यूशन कैसे निकालना होता है ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है। और इसका एक सिंपल सा मेथड होता है कि अपन ने जितनी भी कंडीशन होंगी उनका पहले अलग अलग सॉल्यूशन निकालेंगे, देन उन सभी कंडीशंस के अंदर जितने भी डिफरेंट पॉइंट होंगे उन डिफरेंट पॉइंट को अपन एक साथ में प्लॉट करेंगे बढ़ते हुए क्रम में या फिर असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, फिर अपन क्या करते हैं जो भी आपकी कंडीशंस आई थी उन कंडीशंस को यहां पे प्लॉट कर देंगे, और फिर अपन चेक कर लेते हैं कि कहां पे वो सभी कंडीशंस एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं। जो ओवरलैप वाला पार्ट आएगा हर एक कंडीशन का वही आपका सॉल्यूशन होगा। देखो अभी तक जो अपन कंडीशन लगा रहे हैं उसमें मैक्सिमम टू ही कंडीशन आ रही है, हो सकता है कि थ्री फोर अपन करेंगे, एक दो क्वेश्चन जिसमें थ्री फोर कंडीशन आएगी वहां पर आपको ओवरलैप करना मैं सिखाऊंगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन और करते हैं। यहां पर आपने डोमेन फाइंड आउट करना है, एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ थ्री बेस एक्स बाई टू। ये आपको दे रखा है साइन इनवर्स log of 3 base x by 3। यह आपको कोई कंपोजिटिव फंक्शन दे रखा है, साइन इनवर्स कोई फंक्शन था, इस इनवर्स फंक्शन के इनपुट में आपको क्या दे रखा है, लॉगरिथमिक फंक्शन दे रखा है। मतलब क्या है, पहले अपन इस साइन इनवर्स को डिफाइन करेंगे, देन फिर इस लॉगरिथमिक फंक्शन को अपन डिफाइन करेंगे। देखो यहां से पहले अपन क्या करते हैं, साइन इनवर्स को डिफाइन करते हैं, और जब अपन साइन इनवर्स को डिफाइन करेंगे तो अपन ने तो यही वाली लास्ट क्वेश्चन में प्रॉपर्टी देखी थी कि साइन का जो भी इनपुट आएगा उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होनी चाहिए, माइनस वन टू वन के बीच में लाई करनी चाहिए। इनपुट क्या बन रहा है यहां से, यह बन रहा है लॉग ऑफ थ्री बेस एक्स बाय 3 बन जाएगा, ये अपन ने टोटल इनपुट बन गया। देखो ये साइन इनवर्स का इनपुट बन रहा है तो अपन तो हमेशा इनपुट की बात करते हैं, इनपुट की वैल्यू हमेशा क्या बननी चाहिए, माइनस वन टू वन के बीच में, तो अपन क्या करते हैं ग्रेटर देन माइनस वन कर देंगे और लेस देन इक्वल्स टू वन कर देंगे। अरे क्लियर है सभी को ये वाली बात, अगर ये आपको क्लियर हो गया कि साइन के इनपुट में कौन सा इनपुट बन रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं एक्स बाय 3 इसका इनपुट ले लेते हैं, और बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर इसका तो इनपुट है कुछ भी नहीं आ रहा होगा। इनपुट कौन सा होता है कि साइन इनवर्स के बाद में जो एक्स की जगह जो वैल्यू आएगी ना वो पूरी कंप्लीट वैल्यू उसका इनपुट बनता है। तो यहां पे एक्स की जगह क्या डाल दिया, लॉग ऑफ थ्री बेस एक्स बाई थ्री, तो ये वाला इनपुट बन जाएगा। तो यहां से मैंने क्या कर दिया, इनपुट की वैल्यू को माइनस वन से लेके वन के बीच में लाई करवा दिया। ये आपकी डबल साइडेड इनइक्वालिटी है, इसका सोल्यूशन अपन आगे देखते हैं। देखो सेकेंड कंडीशन अपन को और यहां पर लगानी पड़ेगी, क्या है सेकेंड कंडीशन, लॉग को डिफाइन करते टाइम पे आपको तीन कंडीशंस का ध्यान रखना होता है। पहले लॉग का इनपुट
अपन ग्रेटर देन जीरो करते हैं। सेकंड कंडीशन क्या होती है, उसके अंदर भी बेस नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू जीरो बन रहा है एंड बेस ग्रेटर देन जीरो भी होना चाहिए और ग्रेटर देन जीरो भी है, तो या सॉरी हाँ ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू वन भी आ रहा है, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहां से आपने ओनली एक ही कंडीशन लगानी है। अब देखो इसका सोल्यूशन तो डायरेक्टली क्या बन गया, ये तो कॉन्स्टेंट था, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ग्रेटर देन क्या आ गया, जीरो आ गया। फर्स्ट सेकंड कंडीशन का सॉल्यूशन निकालने में अपन को कोई दिक्कत नहीं आई। अब अपन क्या करते हैं, यहां से इस लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन और निकालते हैं। देखो अपन क्या करेंगे, इस लॉग को पहले रिमूव करेंगे, जब भी अपन लॉग को रिमूव करते हैं तो इक्वालिटी के बाद में जो भी टर्म आएगी वो इसकी पावर में चली जाएगी, तो यहां से देखो ये 3 की पावर 1 बनेगा और इधर ये 3 की पावर -1 बन जाएगा। अब देखो यहां पे इक्वालिटी का साइन मैंने क्या रखा, सेम रखा, ये चेंज हो जाता कब, जब लॉग का बेस क्या होता, लेस देन वन होता, लेकिन यहां पे लॉग का बेस क्या आ रहा है, ग्रेटर देन वन आ रहा है, तो इनइक्वालिटी का जो साइन ऊपर था वही वाला साइन मैंने यहां पे रखा है। अरे क्लियर है सभी को, लॉग की इनइक्वालिटी इंपॉर्टेंट है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, ओनली उसके बेस के ऊपर डिपेंड करती है, अगर बेस की वैल्यू लेस देन वन होती है तो इनइक्वालिटी का साइन अपन चेंज कर देंगे, और बेस की वैल्यू ग्रेटर देन वन होती है तो अपन इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करते हैं। अब देखो यहां से ये तो कांस्टेंट था, ये भी कांस्टेंट है पॉजिटिव है, ये भी कांस्टेंट है पॉजिटिव है, ये भी कांस्टेंट है पॉजिटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 को इस साइड मल्टीप्लाई करो, देखो ये x ग्रेटर देन ये क्या बन रहा है 1/3, 1/3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, 1 लेस देन इक्वल्स टू 3 × 3 क्या बन गया 9। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन का सॉल्यूशन आ गया, ये सेकंड कंडीशन का सॉल्यूशन आ गया, आपने दोनों का कॉमन सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। देखो अगर अपन कॉमन सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर देते हैं सभी डिफरेंट पॉइंट को असेंडिंग ऑर्डर में, पहला पॉइंट कौन सा आएगा 0, देन इसके बाद में 1 और ये 9 आ गया। फर्स्ट कंडीशन का सॉल्यूशन क्या क्या दे रखा है, ग्रेटर देन 0, तो यहां से अपन ग्रेटर देन 0, ये फर्स्ट कंडीशन का सॉल्यूशन बता दिया। सेकंड कंडीशन का सॉल्यूशन 1 2 9 क्लोज सर्कल 1 2 9। अब देखो दोनों को ओवरलैप करने वाला पार्ट कौन सा आ रहा है, ये ओवरलैप करने वाला पार्ट आ गया, तो यहां से कॉमन सॉल्यूशन क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 2 9, ये वाला आंसर बन जाएगा। ठीक है, हाँ चलो देखो एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, इसको नोट करो, किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है पूछ सकता है इसमें। हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं, यहां पे आपको दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/1 रूट ऑफ 4x² - 1 प्लस ln ऑफ एक्स इंटू x² - 1। ये कोई फंक्शन है, इसका आपको डोमेन फाइंड आउट करना है। देखो ये तो सेम टाइप का इक्वेशन हो गया, ऐसा अपन ने स्क्वायर रूट फंक्शन डिनोमिनेटर में देखा था और ये लॉग वाला भी देखा था, थोड़ा सा उससे लेवल हाई है, ठीक है, और उसी टाइप का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आपको दो कंडीशंस लगानी है। फर्स्ट कंडीशन तो क्या होगी, स्क्वायर रूट फंक्शन को आपको डिफाइन करना है, ये आपका बनेगा 4x² - 1 ग्रेटर देन 0। देखो स्क्वायर रूट फंक्शन में अपन क्या लगाते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगाते हैं, लेकिन जब ये नीचे डिनोमिनेटर में आ जाता है तो अपन उसको ओनली ग्रेटर देन 0 करते हैं, इक्वलिटी का साइन इसलिए नहीं लेते, अगर इसको अपन ने 0 कर दिया तो ये 1/0 क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा, और इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आपका फंक्शन डिफाइन नहीं होगा तो आपका डोमेन में नहीं आएगा। तो देखो पहले अपन इसके फैक्टर बनाते हैं, पहले कंडीशन लगाते हैं, देखो अगर कंडीशन लगाएंगे ये डिफाइन हो गया, अब इस लॉग के इनपुट को भी आपको लॉग को भी डिफाइन करना पड़ेगा, तो ये टोटल जो वैल्यू आ रही है ये लॉग का इनपुट बन गया,
ये इनपुट क्या आना चाहिए, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए। ये मैंने लॉग के इनपुट को ग्रेटर देन जीरो कर दिया। बेस की दो कंडीशन और होती है, ग्रेटर देन जीरो एंड नॉट इक्वल टू वन। देखो यहां पे ln दे रखा है, ln भी अपन ने देखा था, ln को अपन क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग। और अगर ln अगर आपको दे रखा है, इट मींस वहां पे बाय डिफॉल्ट बेस आपको क्या दे रखा होगा, e, और e की वैल्यू अपन ने क्या देखी थी, 2.7। इट मींस 2.7 ग्रेटर देन जीरो भी आ रहा है एंड नॉट इक्वल टू वन भी आ रहा है। तो यहां से उन दोनों कंडीशन को तो ये ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां पे भी आपके पास पे दो ही कंडीशन बन रही है। इन दोनों कंडीशंस का अपन क्या निकालेंगे, अलग अलग सॉल्यूशन निकाल के दोनों को एक साथ में कॉमन सॉल्यूशन निकाल देंगे। अब देखो यहां से अगर इसके फैक्टर बनाएंगे तो ऐसा लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 बन जाएगा। फैक्टर बना दो, 2x माइनस 1 एंड 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करो, देखो पहला पॉइंट बनेगा माइनस का 1/2 एंड ये बनेगा प्लस का 1/2। दोनों की पावर क्या आ रही है, ऑड। अगर पावर ऑड आ रही तो साइन ऑल्टरनेटिव बन जाएंगे। कौन सा इंटरवल लेना है, पॉजिटिव वाला, एक तो ये वाला इंटरवल बनेगा और एक ये वाला इंटरवल बन जाएगा। अब देखो यहां पे इसके फैक्टर जहां तक पॉसिबल है तो अपन पहले फैक्टर बनाते हैं। एक्स फैक्टर बनाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस वन ये आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया तो इसके फैक्टर बनाने जरूरी हैं। तो यहां से एक्स इंटू फैक्टर क्या बनेंगे, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, ये आपका ग्रेटर देन जीरो बन जाएगा। नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर दो, देखो नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करेंगे, पहला पॉइंट कौन सा आएगा, माइनस का वन देन जीरो और प्लस का वन बन जाएगा। सभी की पावर क्या आ रही है, ओड। अगर पावर ओड आ रही है तो साइन ऑल्टरनेटिव बन जाएंगे, प्लस माइनस प्लस एंड माइनस, ये आपके ऑल्टरनेटिव साइन आ गए। देखो ग्रेटर देन जीरो, तो ग्रेटर देन जीरो वाले केस में एक तो ये एंड ये वाला इंटरवल बन जाएगा। हाँ, आपके पास में दो कंडीशंस आ गई, इन दोनों कंडीशंस का आपको कॉमन सॉल्यूशन यहां से फाइंड आउट करना है। देखो कॉमन सॉल्यूशन जब अपन फाइंड आउट करते हैं तो अपन को क्या करना होगा, जितने भी डिफरेंट पॉइंट थे उन सभी डिफरेंट पॉइंट को एक साथ में नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना है असेंडिंग ऑर्डर में। देखो सबसे लोवेस्ट पॉइंट कौन सा आएगा इन दोनों में से, माइनस का वन, माइनस का वन पहले आएगा, इसके बाद में माइनस वन बाई टू, देन जीरो बनेगा, जीरो के बाद में प्लस का 1/2 और फिर प्लस का 1 बन जाएगा। ये सभी पॉइंट्स आपने यहां पे प्लॉट कर दिए। अब अपन क्या करते हैं, दोनों कंडीशन को अलग अलग प्लॉट करेंगे, अलग अलग लेवल में प्लॉट करेंगे, क्योंकि फिर अपन क्या करेंगे उसमें कॉमन पार्ट जो है वो अपन कंपेयर करके देख सकते हैं। और जो कॉमन पार्ट होता है उसको अपन डायरेक्टली क्या बता देते हैं कि जहां पर ग्राफ एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं वही वाला आपका कॉमन पार्ट बन जाएगा। देखो यहां से फर्स्ट कंडीशन का अगर सॉल्यूशन लिखते हैं अपन, तो माइनस 1/2 से लेस देन और 1/2 से ग्रेटर, ये आपकी एक ही कंडीशन है, तो मैंने क्या किया है उसको एक ही लेवल में लिखा है। यहां पे सेकंड कंडीशन का सॉल्यूशन क्या आ रहा है, माइनस वन से लेके जीरो, ये माइनस वन से लेके जीरो हो गया, फिर वन से ग्रेटर हो गया। दोनों का कॉमन वाला पार्ट देखो कौन सा आ रहा है, ये आपका कॉमन वाला पार्ट आ गया एंड ये आगे वाला जो पार्ट है वो भी आपका कॉमन वाला पार्ट आएगा। देखो अगर अपन इसका आंसर लिखेंगे तो क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस वन टू माइनस वन बाई टू, दोनों के ऊपर ओपन आएगा, क्योंकि देखो यहां पे ओपन आ रहा है, यहां पे भी ओपन आ रहा है, दोनों में से किसी भी एक के ऊपर ओपन आ गया तो वो इंक्लूड नहीं होता है। देन यूनियन वन के ऊपर क्या बन रहा है, ओपन इन कोमा इंफिनिटी, और इंफिनिटी के ऊपर तो ऑलवेज क्या आता है, ओपन ही आता है, तो ये आपका फाइनली आंसर बन जाएगा। इस फंक्शन का जो डोमेन बनेगा वो बनेगा माइनस वन टू माइनस वन बाई टू यूनियन वन बाय इंफिनिटी बनेगा। क्लियर है, ठीक है, नोट करो, किसी को कोई डाउट है पूछ सकता है इस वाले क्वेश्चन में। एक दो एग्जांपल अपन और करते हैं, चलो और क्वेश्चन करते हैं अपन।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना लॉग ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू रूट ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर बेस में दे रखा है और इनपुट में एक्स दे रखा है। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा दिमाग लगाने वाला भी क्वेश्चन है, सभी का ध्यान इधर ही होना चाहिए, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, जो अपन लॉग वाले जो क्वेश्चन कर रहे थे वहां पे अभी तक क्या आ रहा था, लॉग का बेस कॉन्स्टेंट आ रहा था, लेकिन यहां पे लॉग का बेस क्या आ गया, वेरिएबल आ गया। जब लॉग का बेस वेरिएबल आ जाता है तो आपके पास में थोड़ी दिक्कत आती है। अब देखो दिक्कत क्या आती है, क्योंकि आपको यह पता नहीं है कि लॉग का बेस लेस देन वन है या फिर ग्रेटर देन वन है, ये दोनों कंडीशंस आपको यहां पे अप्लाई करनी होती है। देखो अगर मैं यहां से एफ एक्स इस फंक्शन को डिफाइन करता हूं तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, स्क्वायर रूट फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो स्क्वायर रूट फंक्शन को डिफाइन करने की कंडीशन क्या होती है, इसका इनपुट क्या होना चाहिए, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर बेस ये एक्स, ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। ये कंडीशन मैंने यहां पे लगाती है, किसकी कंडीशन लगाई है, स्क्वायर रूट फंक्शन को डिफाइन करने की, ठीक है। इसके बाद में सेकंड कंडीशन अपन और लगाते हैं, सेकंड कंडीशन क्या लगाएंगे, इस लॉग को डिफाइन करेंगे। लॉग को डिफाइन करते टाइम पे आपको तीन कंडीशन देखनी होती है, लॉग का इनपुट ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, सेकेंड लॉग का बेस ये भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, एंड थर्ड लॉग का बेस नॉट इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, वन आना चाहिए। ये अपन ने ये तीनों कंडीशन किसके लिए लगाई है, लॉग को डिफाइन करने की। अब देखो अगर इन तीनों कंडीशंस का मैं कॉमन सॉल्यूशन निकालता हूं, क्योंकि पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इन तीनों का कॉमन निकालना पड़ेगा, फिर इस फर्स्ट और सेकेंड का ओवरऑल कॉमन निकालना पड़ेगा, और यस ओर नो, क्योंकि आपको तो इसको डिफाइन करना है, इसको डिफाइन करने के लिए ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन, इस कंडीशन के अंदर भी कितनी कंडीशन बन गई, तीन। इट मींस इस सेकंड कंडीशन का ओवरऑल सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले इन तीनों कंडीशन का कॉमन सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, एंड इस क्वेश्चन का ओवरऑल सॉल्यूशन निकालने के लिए फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन का आपको कॉमन सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। यह बात क्लियर है सभी को। अब देखो यहां से एक्स ग्रेटर देन जीरो बन रहा है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो बन रहा है और एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू वन। अगर मैं इस कंडीशन को सोल्व करता हूं, अगर इस कंडीशन को मैं सोल्व करता हूं तो यहां से आपके पास में सॉल्यूशन क्या आ गया, एक्स नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस का वन बन जाएगा। अरे सोनू एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन, तो एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, नॉट इक्वल टू प्लस माइनस का वन बन गया। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो ऑलवेज होती है, एक्स की हर एक वैल्यू के लिए एक्स स्क्वायर क्या बनता है, ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव रखेंगे तो भी ग्रेटर देन जीरो बनेगा, अगर नेगेटिव पॉजिटिव रखेंगे तो भी ग्रेटर देन जीरो बनेगा, लेकिन एक केस ऐसा आएगा जहां पे ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी। तो यहां पे अगर मैं एक्स की जगह जीरो पुट करता हूं तो ये वाली वैल्यू क्या बन गई, जीरो बन गई। तो इस वाले केस में तो क्या बनेगा, अगर मैं इसका सोल्यूशन निकालता हूं इस कंडीशन का, तो यहां पर एक्स बिलोंग्स टू क्या आएगा, आर, और माइनस इसमें से आपने क्या कर दिया, जीरो को माइनस कर दिया। अरे एक्स स्क्वायर की वैल्यू हर ऑल रियल वैल्यूज के लिए क्या बनती है, पॉजिटिव, मतलब सभी रियल वैल्यूज में सॉल्यूशन में आएंगी, लेकिन अगर मैंने यहां पे जीरो रख दिया तो वो क्या बन जाएगा, जीरो, और जीरो ग्रेटर देन जीरो तो कभी नहीं होता, तो आपने क्या कर दिया, जीरो को माइनस कर दिया। देन देखो फर्स्ट, इसमें फर्स्ट कंडीशन का सोल्यूशन ये, सेकेंड कंडीशन का सोल्यूशन ये, और थर्ड कंडीशन का सोल्यूशन ये, इन तीनों का ओवरऑल अगर अपन कॉमन निकालते हैं तो ओवरऑल कॉमन कैसे निकालेंगे, देखो यहां पर जीरो आ रहा है, ये तो बोल रहा है कि जीरो से क्या आना चाहिए, ग्रेटर आना चाहिए, ये बोल रहा है कि जीरो नहीं आना चाहिए और जीरो के अलावा कुछ सब कुछ आ सकता है, तो अपन क्या करते हैं, ओनली जीरो के ऊपर ओपन लगा देते हैं और बाकी पूरा इंटरवल यहां पे दिखा देते हैं। अब देखो थर्ड कंडीशन क्या बोल रही है कि एक्स की वैल्यू प्लस माइनस वन नहीं होनी चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, पहले इन दोनों का कॉमन निकाल लेंगे और इन दोनों के कॉमन में अगर ये वाली वैल्यू आ रही है तो उसको माइनस कर देंगे, अगर नहीं आ रही है तो माइनस नहीं करेंगे। अब देखो इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन कौन सा आ रहा है, यहां पर अगर अपन चेक करते हैं तो इन दोनों कंडीशन का यह कॉमन सोल्यूशन आ रहा है, और इस सोल्यूशन के अंदर माइनस वन तो इंक्लूड नहीं है लेकिन प्लस वन इंक्लूड है, तो इसका सोल्यूशन क्या बनेगा, एक्स
एक्स बिलोंग्स टू जीरो से लेके इन्फिनिटी और इसमें से अपन क्या कर देंगे माइनस वन कर देंगे। अरे क्लियर है सभी को? अपन ने जो सेकंड कंडीशन थी उसका ओवरऑल सॉल्यूशन क्या बता दिया, एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन, करली ब्रैकेट में आपने माइनस वन, ये आपने सेकंड कंडीशन का सॉल्यूशन निकाल दिया। अब अपन क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन और निकालेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, देखो कैसे इंपॉर्टेंट है। पहले अपन को ये यहां पे ध्यान रखना होगा, देखो क्या इसमें ये अलग से क्वेश्चन कैसे बन गया, मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूं इस वाले क्वेश्चन पे, क्योंकि जब अपन ने इनइक्वालिटी के साइन जब लॉग में इनइक्वालिटी बनती है उस वाले केस में अपन क्या करते हैं, लॉग के बेस को चेक करते हैं। लॉग के बेस में दो कंडीशन बनती है, अगर लॉग का बेस जीरो से लेके वन के बीच में बनता है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, और अगर लॉग का बेस ग्रेटर देन वन होता है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। अब यहां पर देखो, अगर मैं इस इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करूंगा तो ये तो एक्स स्क्वायर बन गया, अरे ये तो एक्स स्क्वायर बन गया। एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो तो होती है, लेकिन वो लेस देन वन भी तो हो सकती है। अगर मैंने एक्स की जगह मान लो वन बाई टू रखा तो वो क्या बन गया, लेस देन वन बन गया। मतलब यहां पे आपको दो केस लेके चलने पड़ेंगे। फर्स्ट केस तो मैंने क्या बना दिया, केस फर्स्ट मैंने क्या बनाया कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, जीरो से लेके वन के बीच में, ये आपका बेस ग्रेटर देन जीरो हो गया। सेकंड केस मैंने क्या बनाया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन वन। अरे क्लियर है? क्योंकि आपको ये पता है कि बेस की वैल्यू जीरो से लेके वन में भी हो सकती है, जब जीरो से लेके वन के बीच में होगी तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, और ग्रेटर देन वन होगा तो उस वाले केस में साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि यही तो इंपॉर्टेंट है कि साइन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसके लिए अपन को कहां पे जाना पड़ता है, बेस के ऊपर। बेस अगर कांस्टेंट होता था तो उसके वाले केस में अपन क्या बताते थे भाई, डायरेक्टली अगर कांस्टेंट 1/2 आ रखा होता यहां पे तो अपन को आइडिया लग गया कि वो क्या बन रहा है, जीरो से लेके वन के बीच में, डायरेक्टली अपन क्या कर देते थे, इनइक्वालिटी का साइन चेंज। और अगर ग्रेटर देन वन यहां पे टू होता तो डायरेक्टली अपन क्या कर देते थे, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करते थे। लेकिन आपको तो पता ही तो नहीं लग रहा, तो इसका मतलब यहां पर आपको दो केस बना के लेके चलने पड़ेंगे। यहां पर मैं क्या करता हूं, पहले इस कंडीशन को सिंप्लीफाई करता हूं। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो से लेके वन के बीच में, जब जीरो से लेके वन के बीच में होगी तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। मतलब जब मैं ये कंडीशन लगा के इस लॉग की इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करता हूं तो यहां से आपके पास में क्या आएगा, एक्स की वैल्यू, एक्स इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा क्योंकि जीरो से लेके वन के बीच में बन रहा है, लेस देन इक्वल्स टू, ये यहां पे आपका एक्स स्क्वायर की पावर क्या बन गया, जीरो बन गया। तो यहां से ये एक्स लेस देन इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, वन। अब देखो ये जो आपने सॉल्यूशन लगाया है, सॉल्यूशन जो निकाला है वो ये कंडीशन लगा के ही तो लगाया है। अरे सोनो, मतलब इन दोनों का भी कॉमन आना चाहिए, ठीक है? थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि कंडीशन के अंदर ही कंडीशन बन रही है, और यहां पे केसेस भी दो बनाने पड़ रहे हैं। जब केसेस बनाते हैं तो उसका यूनियन लेंगे, और कंडीशन लगाई है तो उसके अंदर भी आपको कॉमन लेना पड़ेगा। अरे क्लियर सभी को? तो मैंने ये वाली कंडीशन लगा दी। देखो ये कंडीशन लगाने से इस लॉग की इनइक्वालिटी का सोल्यूशन यह आ गया, लेकिन ये सोल्यूशन कब आया, जब आपने ये वाली कंडीशन लगाई होगी। इट मीन्स ये दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। यहां से इसका सोल्यूशन बन रहा है एक्स लेस देन वन, और अगर मैं इसका सोल्यूशन निकालूंगा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन वन होनी चाहिए। तो देखो अगर मैं इसका सॉल्यूशन निकालता हूं इस कंडीशन का, तो यहां से आपके पास में सॉल्यूशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर लेस देन वन, तो एक्स माइनस वन, और ये एक्स प्लस वन लेस देन जीरो हो गया। नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करो, माइनस वन से लेके वन लेस देन जीरो, तो ये वाला बन गया। और ये बोल रहा है कि लेस देन क्या आना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू वन आना चाहिए। तो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, दोनों का कॉमन सॉल्यूशन बनेगा यहां से एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस वन से लेके वन, और इस पे भी ओपन आएगा। देखो ये आपने क्या किया, केस फर्स्ट का सॉल्यूशन निकाल दिया। अब केस सेकंड का भी तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो यहां से आपके पास में देखो, एक्स बेस की वैल्यू क्या कर दी, ग्रेटर देन वन। जब अपन बेस की वैल्यू ग्रेटर देन वन करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की पावर जीरो, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन बन रहा है। देखो ये वाली कंडीशन आ गई, लेकिन इसका भी तो आपको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो, नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करो, माइनस वन एंड वन, प्लस माइनस प्लस, पॉजिटिव वाला इंटरवल आ रहा है ये वाला एंड ये वाला, और इसका इसके साथ में कॉमन लेना है। इन दोनों का अगर कॉमन निकालेंगे अपन, इन दोनों का कॉमन निकालेंगे, देखो ये इसी पे प्लॉट कर देता हूं, यहां पे क्या आना चाहिए, वन से लेके ग्रेटर, तो ये वाला
पार्ट क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो यहां से अगर मैं के सेकंड का सॉल्यूशन लिखता हूं तो आपका बनेगा एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल वन से लेके इनफिनिटी। देखो ये कंफ्यूज मिक्स ना हो इसलिए मैं क्या करता हूं, केस फर्स्ट का सॉल्यूशन यहां पे इस साइड में दिखा देता हूं, ये माइनस वन से लेके वन और ये ओपन इंटरवल आ गया था और ये लेस देन वन आ गया था। ये वाली बात क्लियर है? देखो इसको समझो एक बार, मैंने क्या किया, फर्स्ट कंडीशन लगाई, फर्स्ट कंडीशन के अंदर आपके पास में दो कंडीशंस लग गई, दो केस बना दिए। इस केस के अंदर आपने ये वाली कंडीशन लगाई, इस कंडीशन का सॉल्यूशन ये वाला आ रहा था और फिर इन दोनों का कॉमन निकाल के मैंने क्या किया, केस फर्स्ट का ये वाला सॉल्यूशन लिखा दिया, केस सेकंड का, ये आपका केस सेकंड था, केस सेकंड का सॉल्यूशन क्या आ गया, ये वाला आ गया। जब केसेस बनते हैं तो उस वाले केस में अपन क्या लेते हैं, यूनियन। मतलब क्या है, जो आपकी ओवरऑल ये वाली जो कंडीशन बन रही थी, इस कंडीशन का सॉल्यूशन जो आएगा ओवरऑल वो क्या बनेगा, फाइनली जो रिजल्ट आएगा, देखो मैं यहां पे लिख देता हूं, इस कंडीशन का सॉल्यूशन क्या बनेगा, दो केसेस, पहले ये वाला केस और ये वाला केस, इन दोनों का यूनियन क्या बनेगा, माइनस वन से लेके वन और वन से लेके इंफिनिटी। देखो इन दोनों को एक साथ में लिख देता हूं, माइनस वन से लेके इंफिनिटी, लेकिन यहां पे वन इंक्लूड नहीं हो रहा तो वन को माइनस कर देंगे, तो आपका बनेगा एक्स से बिलोंग्स टू माइनस वन टू इंफिनिटी और इसमें से अपन क्या कर देते हैं, वन को माइनस कर देते हैं। देखो ये कंडीशन फर्स्ट का सोल्यूशन आ गया, कंडीशन सेकंड का ये वाला सोल्यूशन आ गया, अब इन दोनों का ओवरऑल और निकालना पड़ेगा। अरे ये सोनू बहुत कंफ्यूजिंग है, आप एक बार इसको बैठ के खुद से करना तभी ये वाली चीज क्लियर होगी, अदरवाइज नहीं होगा। देखो यहां से मैं इसका सॉल्यूशन वो निकालता हूं, ये जीरो बन जाएगा यहां पे, ये माइनस वन बनेगा और ये वन बन जाएगा। देखो फर्स्ट कंडीशन का सॉल्यूशन क्या आ रहा है, जीरो से इंफिनिटी, जीरो से इंफिनिटी, लेकिन इसमें वन नहीं आ रहा तो वन के ऊपर अपन क्या लगा देते हैं, ओपन लगा देते हैं। सेकंड कंडीशन का सॉल्यूशन माइनस वन से इंफिनिटी और उसमें वन नहीं आना चाहिए, माइनस वन से इनफिनिटी और उसमें भी वन नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब देखो कॉमन वाला पार्ट कौन सा आ गया, यहां पे ये कॉमन वाला पार्ट आ गया, ये आपका फाइनली कॉमन वाला पार्ट। इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, एक्स से बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट जीरो से लेके इनफिनिटी कर देते हैं और इसमें आपका वन माइनस कर देंगे, यह आपका फाइनली आंसर बन जाएगा। अरे क्लियर है सभी को, ये अपन ने डोमेन के ऊपर क्वेश्चन किए हैं, एक दो क्वेश्चन और बाकी हैं, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए काफी इतना, ये डोमेन वाले क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन डोमेन भी करेंगे और थोड़ा बहुत रेंज भी करेंगे। चलो थैंक यू।